नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप YouTube चलाते हैं या फिर YouTube बनाना चाहते हैं या फिर YouTube का ऑब्वियसली ऑलरेडी पहले से इस्तेमाल करते हैं, तो जो कुछ लोग होते हैं, जो नए यूजर्स होते हैं, जो नए क्रिएटर्स होते हैं, उनको YouTube की कई सारी सेटिंग्स नहीं पता होती है, जिसके चलते उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता है और शायद उनकी वीडियोज जो है वो रैंक ना कर पाए या फिर वीडियो लोगों के सजेशन रिकमेंडेशन या फिर लोगों के जो वॉल है उस पर ना ही जाता है। और इसका रीज़न मेन होता है आपका जो होता है वो कहीं ना कहीं सेटिंग इशूज होता है, सेटिंग की प्रॉब्लम होती है, जिसको लेकर आपकी वीडियो सही में वायरल नहीं होती है। तो मैं आज आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिस जानकारी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने वीडियो का कैटेगरी, अपने वीडियो का जो लैंग्वेजेस है उसको कैसे आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आप कोई और लैंग्वेज डाल रहे हैं, अंग्रेजी का कोई वीडियो, मान लीजिए कि आपका इंग्लिश का चैनल है और आपका अल्टीमेटली जो पहले से बाय डिफॉल्ट हिंदी शेप हो गया है, या फिर हिंदी बना रहे हैं और ऑब्वियसली आपका अंग्रेजी वीडियो जो है बाय डिफॉल्ट जो है वो सेव हो जाता है जब आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसमें आपको आइडियाज नहीं होता है, तो आप किस तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं ताकि आपका जिस प्रकार का वीडियो है वही लैंग्वेज है जिसके चलते यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को सजेस्ट कर पाए, रिकमेंड कर पाए, ताकि आपके उस चैनल पे व्यूज आए, उस वीडियो पे व्यूज आए। और मेनली कैटेगरी भी होता है, कैटेगरी के अनुसार ही लोग जो है प्रेफर करते हैं कि यूट्यूब कहां उसको सपोर्ट करेगा, कहां उसको वायरल करेगा, कहां उसको भेजेगा। तो ये सब कैटेगरी और कई सारी सेटिंग्स पे डिपेंड करता है, तो उसी सेटिंग्स के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के YouTube के डैशबोर्ड पे और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप उसको शेडिंग के तरीके को बदल सकते हैं ताकि आपकी वीडियोस वायरल ज़्यादा से ज़्यादा हो और लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं और आज मैं आपको बताता हूँ चैनल की सेटिंग्स के बारे में, जो मैं ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन कर चुका हूँ। तो ये मेरा चैनल टेक्निकल दुनिया हो गया, टेक्निकल दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस पर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब से जुड़ी या फिर हर प्रकार की चीज़ों को लेकर हम जो है इस पर जानकारी देते रहते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर मैनेज वीडियो पर चलना है। मैनेज वीडियो पे चलते हैं तो जैसे ही आप खोलते हैं इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, और इस इंटरफेस जब आपके सामने ये आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, सेटिंग का, यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चैनल्स अपलोड डिफॉल्ट परमिशंस एंड कम्युनिटी एंड एग्रीमेंट्स होता है, तो आपको क्या करना है चैनल पे क्लिक करना है। जैसे ही चैनल पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कंट्री ऑफ रेसिडेंस जो है वो आपका इंडिया है, यहाँ पे कीवर्ड्स डाले हुए हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें कुछ अलग करना है, तो हमको जाना है एडवांस सेटिंग पे। जैसे ही एडवांस सेटिंग पे जाते हैं आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ देना है, यहाँ पे आप जो है रिव्यू दिस नॉट किड्स वगैरह वाला है, इसके बाद यहाँ पे जाते हैं तो इस तरीके का। हम लोग क्या करते हैं कि अपलोड डिफॉल्ट्स पे जाते हैं, अपलोड डिफॉल्ट्स पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, यहाँ पे विजिबिलिटी क्या पब्लिकली है आपका क्या है, यहाँ पे टैग दे सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे जाते हैं। एडवांस सेटिंग पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ रहे थे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। ये पर लाइसेंस होता है, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस मतलब होता है कि आपका ओरिजिनल कंटेंट हो गया, अगर आप क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन करते हैं तो ये किसी और को, मतलब कोई और इसको देख सकता है, कोई और इस वीडियोज को अपलोड कर सकता है, वो परमिशंस आप दे देते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रखते हैं तो दिस इज बेसिकली आपका ये परमिशन होगा और इस चीज़ को आप ही इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कैटेगरी है, यहाँ से कैटेगरी आप चाहें तो जो चैनल का आपका कैटेगरी है पे चेंज कर सकता है। एंड माय चैनल इज रिलेटेड टू जस्ट लाइक अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सो आई एम जस्ट मेंशनिंग ओवर देयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके। तो आप यहां पे आप चाहें तो अलग अलग चीजों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वीडियो लैंग्वेज हिंदी है या अंग्रेजी है या फिर अलग लैंग्वेज, अलग अलग कंट्री के हैं तो अलग अलग, तो कई लोगों के तो गलत गलत हो जाता है, इंग्लिश हिंदी हो जाता है, तो आपको यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज, मुझे हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, सो आई एम जस्ट मेंशनिंग ओवर देयर लाइक इन हिंदी लैंग्वेज, ओके। सो यहाँ पे कैप्शन सर्टिफिकेशन की जरूरत, देयर इज नो नीड टू लाइक मेंशन लाइक दिस। यहाँ पे कमेंट विजिबिलिटी क्या है कि होल्ड पोटेंशियली इन अप्रोप्रिएट, यानी कि जो कमेंट आते हैं जैसे कि कोई बल्गर कमेंट आ गया, कोई ऐसी चीज आ गया, तो यहाँ से उस कमेंट्स को हाइड कर सकते हैं, ऑलरेडी जो कोई कमेंट करेगा तो वो चीज़ें विजिबल नहीं होती है। यूजर कैन व्यू रेटिंग फॉर दिस वीडियो, यहाँ पे जो है आपका लाइक और अनलाइक, यहाँ पे अगर चाहें तो इसको मैं ओपन कर दूँ तो हमारे कोई वीडियोज पे लाइक करेगा, कितना अनलाइक करेगा, ये कोई भी चीज़ आपको नहीं दिखेगी, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली कुछ सेटिंग्स होती है जो इंपॉर्टेंट होती है यूट्यूब लाइसेंस को लेकर, लैंग्वेजेस को लेकर, एंड यहाँ पे कैटेगरीज को लेकर, और यहाँ पे आपका कमेंट जो विजिबिलिटी है उसको लेकर। तो ये आप इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, इसको आप ध्यान रखें, लैंग्वेज और बेसिकली कैटेगरी का आप अपना ज़्यादा ध्यान रखें। अब जब चेंज करते हैं तो यहाँ
पे सेव का ऑप्शन आता है, यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, सो देयर इज नो एनी बटन लाइक सेव ऑप्शन लाइक क्लोज बटन लाइक दिस। तो यहाँ पे आप जैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ जैसे पेटर्न एंड मेथड, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ गया, तो आप वहाँ से चेंज करके कर सकते हैं। आप देखिए मैं भूल गया कि मेरा क्या था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, तो ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे सेव है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से आप चाहें तो YouTube की कई सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, जिसके चलते आपको YouTube के जो इन फ्यूचर जो हुआ वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और आप अपने वीडियोस को वाइड रेंज पर लोगों के बीच पेश कर सकते हैं और लोगों के बीच अपने वीडियो को काफ़ी ज़्यादा वायरल कर सकते हैं। बाकी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत